गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के साइंस में केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे। लेसन का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम डिफाइन मैटर करते हैं। मैटर होता क्या है? मैटर एज एनीथिंग दैट हैज ए डेफिनेट मास शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। पदार्थ की वह अवस्था जिसका कि निश्चित मास होता है, यानी निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित शेप होता है, निश्चित आकार होता है और निश्चित वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, निश्चित आयतन होता है, उसे मैटर कहा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका निश्चित द्रव्यमान, निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, वह पदार्थ कहलाता है, उसे हम मैटर कहते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर थ्री स्टेट में पाया जाता है। तीन स्टेट होते हैं इसके। मैटर आर थ्री स्टेट, फिजिकल स्टेट, नंबर एक सॉलिड स्टेट, नंबर टू लिक्विड स्टेट एंड नंबर थ्री गैसीय स्टेट। ठोस अवस्था, सॉलिड को कहते हैं हम ठोस, लिक्विड द्रव अवस्था और गैस गैसीय अवस्था। तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ वी डिस्कस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होती है, इनको हम अलग अलग करके डिफाइन करेंगे। नंबर वन, सॉलिड स्टेट। सॉलिड इज द स्टेट इन विच मैटर मेंटेन्स द फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड वह अवस्था है जिसमें कि पदार्थ का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, वो सॉलिड स्टेट कहलाती है। यानी कि फिक्स वॉल्यूम हो और फिक्स शेप हो तो सॉलिड स्टेट होगा। नंबर टू, लिक्विड, लिक्विड स्टेट। लिक्विड इज द स्टेट इन विच मैटर एडप्ट टू द शेप ऑफ कंटेनर बट वेरियस ओनली स्लाइटली इन वॉल्यूम। द्रव अवस्था वह अवस्था होती है, लिक्विड स्टेट वह स्टेट होती है जिसमें उसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, उसे हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। नंबर थ्री है गैस स्टेट, गैसीय अवस्था। गैस इज द स्टेट इन विच मैटर एक्सपेंड टू द ऑक्टुपली द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। जिसमें गैस अवस्था वह अवस्था है जिसमें कि पदार्थ का नहीं निश्चित आकार होता है और नहीं निश्चित आयतन होता है, उस अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में सॉलिड, एक एग्जाम्पल सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं जिनसे मिलकर के बना होता है, उनमें अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होता है। यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास सटे होते हैं, एक दूसरे के बीच में बिल्कुल भी खाली स्थान नहीं होता है, बिल्कुल पास जुड़े होते हैं, जिसके कारण किसी चीज को हम सॉलिड कहते हैं। तभी ये जो है सॉलिड होता है, क्योंकि इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं। जबकि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के पास पास तो होते हैं लेकिन सॉलिड से कम, सॉलिड में बिल्कुल पास पास सटे होते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होता है इनके बीच में, इसलिए जो है इसका निश्चित वॉल्यूम नहीं होता है। और गैसीय जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे के सारे अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये पास पास नहीं सटे होते हैं, इनके बीच में अंतर आणविक बल बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसी कारण होता है कि जैसे हम किसी गैस को, जैसे आपने देखा होगा किसी बोतल से बाहर निकालो, बोतल में अगर गैस बंधी हुई है, गैस को बोतल का ढक्कन खोलो, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि किधर गैस थी, सारे, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स उसके अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ बंधे नहीं है। जबकि लिक्विड और सॉलिड में जो है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ सटे होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग होने में टाइम लगता है उनको। अब इसका एग्जाम्पल है कार्क और ऑल मेटल्स। सारे के सारे मेटल जो है सॉलिड होते हैं, रॉक्स जो है चट्टाने होती हैं वो भी सॉलिड होती हैं, कॉर्क जो है वो भी सॉलिड होता है। लिक्विड के एग्जाम्पल हैं, ये वीक बैंडिंग होती है इनकी, इनकी बैंडिंग जो होती है वीक होती है।
सॉलिड की बाइंडिंग जो है स्ट्रांग बाइंडिंग होती है, जबकि गैस की वेरी लेस बाइंडिंग, इनकी बहुत लेस बाइंडिंग होती है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल खाली स्थान होते हैं। लिक्विड में है वाटर एंड ऑयल, इसके एग्जांपल हैं, जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, तेल, ये जो है लिक्विड के एग्जांपल हो गए। गैस के एग्जांपल में आ गए, सारी की सारी गैसें, चाहे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर्स, वेपर्स हैं, ये सारे के सारे गैस के एग्जांपल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी, इनकी विशेषताएं होती है, फर्स्ट विशेषता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए शेप बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, इनके बीच जो है खाली स्थान होता है। सेकंड है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पदार्थ के कण एक दूसरे आसानी से जो है मूविंग कर सकते हैं, आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। थर्ड है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, एक दूसरे को जकड़ करके रखते हैं, ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं होगी। मैटर आर चेंज इन स्टेट, मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सॉलिड अवस्था से उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है, लिक्विड से गैसीय में, गैस से फिर सॉलिड में चेंज कर सकते हैं हम। वी ऑल नो ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट द वाटर कैन बी एक्सेप्ट इन देयर स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि पदार्थ की जो द्रव अवस्था होती है, पानी होता है, उसको हम अलग अलग अवस्थाओं में चेंज कर सकते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सॉलिड अवस्था जो होती है पानी की, वो आइस होती है, बर्फ होता है, अगर हम इसी बर्फ को पिघला करके पिघला दें तो पिघलाने पे क्या बनता है, लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाता है, वो वाटर बन जाता है। और अगर उसी वाटर को हम गैस में चेंज करना चाहें, उसको गर्म करें, बॉयल करें, बॉयल करने पे वो वाटर के वाइपर्स बन जाते हैं, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं या चेंज हो सकते हैं। अब आप लोगों ने, नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, इससे संबंधित ये मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, यानी पानी की, वाटर की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सेकंड है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। थर्ड है नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है गिव रीजन वाटर एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड, पदार्थ रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होता है, क्यों, क्या कारण है। नेक्स्ट है गिव रीजन एन आयरन अलमारी इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो लोहे की अलमारी होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों होती है, इनकी, इन दोनों के रीजन देने आपने, और इन क्वेश्चनों के आंसर इसमें है, इसमें से क्वेश्चनों के आंसर निकालने हैं। तो थैंक यू।